लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी के कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी कर उन्हें गुमशुदा बताया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला बाहरी हैं और चुनाव से लापता हैं। कांग्रेस ने यहां के लोगों का हक मारा है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने न कभी प्रदेश की चिंता की और न ही कभी यहां दिखे। कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के लिए राजनीति करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रेस ब्रीफ रोज नए विषयों के सामने आप सबके समक्ष चर्चा होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो प्रथम चरण का जो चुनाव था, जिसमें एक सीट थी बस्तर की सीट, उसमें लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। 26 तारीख को द्वितीय चरण और 7 मई को बचे शेष 7 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। प्रदेश स्तर पे हो रही, देश स्तर पर हो रही है कि कितना आएगा, क्या परिणाम आएगा, सब अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बीच जब एक लोकसभा का सांसद मेहनत कर रहा है, लोकसभा का सांसद चुनाव में जा रहा है और चुनाव में जीतकर वो उस संसद में जब वो प्रतिनिधित्व करेगा अपने क्षेत्र का, इस बीच मैंने कहा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कुछ राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं, जो पिछले समय चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए यहां से 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस से चुने गए थे। पुरानी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि पिछले 5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार के एक ऐसे आवरण को ओढ़ने की कोशिश और बताने की कोशिश यहां पर की गई, दूसरों को कटघरे में खड़ा करके कि वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, हम ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते हैं, ये सब तमाम प्रकार का खेल हुआ, उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि इस तरह की कहीं कोई चीज नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं, इस पर मोहर प्रदेश की जनता ने लगाया और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन उस समय भी दोहरा आचरण कांग्रेस का था, जब छत्तीसगढ़ी बात करते करते भी राज्यसभा सांसद चुनाव की बात आई कि सांसद चुनना है, तो भी 3 ऐसे सांसदों को चुना गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 अवसर ऐसे आए कि 3 छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको वहां पर भेजा जाता, लेकिन कांग्रेस ने उस पर किसी पर मोहर नहीं लगाई। तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद थे, रंजिता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, ये तीनों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा में भेजा गया। हमने उस समय भी आवाज उठाई लेकिन कांग्रेस ने इसको अनसुना कर दिया कि कोई एक व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ का चला जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी उस किसी प्रकार। ये जो बाहर के लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भावनाओं को नहीं समझते हैं, संस्कृति तो ठीक है, भावनाओं को नहीं समझते कि वास्तव में यहां पर क्या तकलीफ है, ये छत्तीसगढ़ कैसे नक्सल से जूझ रहा है। आपको ध्यान होगा कि उस समय राज्यसभा सांसद जो रंजिता रंजन जी बनी थी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते, ये विशुद्ध रूप से हमारे शहीद जो होते हैं, सैनिक होते हैं और उनके परिवार छत्तीसगढ़ के लोगों का घोर अपमान है, और शायद उसी की पुनरावृत्ति भूपेश बघेल जी ने भी अभी जो घटना वर्तमान में हुई थी उसकी पुनरावृत्ति की, क्योंकि जीन एक ही है, डीएनए एक ही है, और जो वैचारिक रूप से जो चीजें हैं कि हम किसका समर्थन करते हैं, ये लगातार इनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है, और जो हम आरोप लगाते थे वो सर्वथा सिद्ध हो रहा है कि इनकी सरकार आने के बाद नक्सली क्यों उन्मुक्त होते हैं, क्यों उनके ऊपर अटैक नहीं होता, ये तमाम प्रकार की चीजें सामने आई हैं। मुझे तो ये भी जानकारी प्राप्त है कि मार्च 2020 और 2022 से जो राज्यसभा बने थे, केटीएस तुलसी, उनको तो यहां से बना के भेजा गया था लेकिन वो निर्वाचन का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आए थे, ये भी यहां का घोर अपमान है। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहां भी बुझे हुए तीरों को उतारा गया है, जिनको 4 महीने पहले इस प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है, उन लोगों को कवासी लखमा जीत गए अलग बात है, लेकिन मात्र 2000 वोट से जीते थे, क्या परिस्थितियां थी,
या फिर हम ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, उनके कामों पर जिस तरीके से जनता ने रिजेक्ट किया उनको, ऐसे तमाम देवेंद्र यादव से लेकर ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रत्याशी बना गया है। और मुझे तो लगता है कि कई प्रत्याशियों के साथ तो हमारी सहानुभूति है। जिस तरीके से कवासी लखमा जी ने एक वक्तव्य दिया था कि वो बेटे के लिए गए थे टिकट मांगने, उन्होंने तो अच्छे शब्दों में कहा कि बहू लेने गए थे, लेकिन वो बहू उनको पकड़ा दी गई। ये स्थिति है कि चुनाव व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता है परिस्थिति स्थिति देखकर, और उसके बाद उनको टिकट दी गई। अब इसके बीच का खेल क्या था, किसने किसको दिलाया, किसके लिए दिलाया, ये कहानी कांग्रेस में रोज चलती है, ये आप सब बेहतर समझते हैं। कल रायपुर राजधानी है, कल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय जी, उनकी भी नामांकन रैली कल यहाँ पर निकली।